1947 में जहां पूरे भारत में तिरंगा लहराकर आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, तो वही भारत के एक भाग को अभी भी अपनी आजादी की आस थी। हम बात कर रहे हैं लोगों के फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन गोवा की, जिसे 1947 में आजादी मनाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था, बल्कि यहां 1961 में आजादी को पहली बार महसूस किया गया, जब भारत ने ऑपरेशन विजय को चलाकर पोर्चुगीज को समझा दिया कि भारत अपनी धरती का एक भाग भी नहीं छोड़ेगा। गोवा की आजादी से पहले यहां भारतीय लोगों का पोर्चुगीज ने जमकर एक्सप्लॉयटेशन किया। उनके धर्म बदले गए, उनके मंदिरों को तोड़कर चर्च बनवाए गए, यही नहीं उनकी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख दिया गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब भारत 1947 में आजाद हो गया तो गोवा क्यों नहीं? क्यों पोर्चुगीज ब्रिटेन और फ्रांस की तरह भारत को छोड़कर नहीं गए? क्यों भारत ने 1961 तक अपने ही देश के एक हिस्से को छुड़वाने में इतना वक्त लगा दिया? और आखिर क्यों भारत को गोवा की आजादी के लिए ऑपरेशन विजय को चलाना पड़ा? गोवा भारत का अपना एक राज्य जो कि भारत कम और यूरोप ज्यादा लगता है। इस स्टेट का कल्चर भारत के दूसरे स्टेट से काफी अलग है। गोवा यूरोप के मॉडर्न कल्चर में काफी हद तक रंगा हुआ है, जिसका मेन कारण पोर्चुगीज का इन्फ्लुएंस है। पोर्चुगीज का ओल्ड गोवा को न्यू एंड मॉडर्न गोवा बनाने में एक बहुत बड़ा हाथ रहा है, लेकिन गोवा हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि गोवा की अपनी एक अलग कहानी है। भारत के बाकी स्टेट्स की तरह गोवा की जड़ें भी काफी पुरानी है। प्रीहिस्टोरिक टाइम से चला आ रहा गोवा भारत का सबसे छोटा स्टेट होने के बाद भी भारत का एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अपनी लॉन्ग एंड डाइवर्स हिस्ट्री को समेटे गोवा दुनिया में एक अहम भूमिका निभाता है। भारत में सबसे पहले ह्यूमन सेटलमेंट जिन राज्यों में देखा गया उनमें से एक गोवा भी था। हिंदू पुराण और वेरियस इंस्क्रिप्शंस में भी इसका जिक्र किया गया है, जहां इसे गोवा की जगह गोव, गोवापुरी और गोमंत के नाम से बुलाया जाता था। मिडिवल एरा में अरेबियन ज्योग्राफर्स इस जगह को सिंधानूर और संदाबुर के नाम से बुलाया करते थे, तो वही पोर्चुगीज के राज में उन्होंने इस जगह को वेल्हा गोवा का नाम दिया। गोवा की अर्ली हिस्ट्री को देखें तो 250 BC में ये जगह मौर्यन एम्पायर का भाग था। इसके बाद 300 AD से 600 AD तक भोजा किंग्स ने इस जगह पर अपनी दावेदारी रखी। इसके बाद गोवा में 2nd सेंचुरी CE से 1312 तक कडम्बा डायनेस्टी ने अपना कंट्रोल रखा। ये वो वक्त था जब मुस्लिम इन्वेडर्स एशिया के देशों में लगातार इन्वेजन कर रहे थे। इसी दौरान 1312 से 1367 तक डेक्कन के मुस्लिम इन्वेडर्स ने गोवा को अपना बेस बनाया, लेकिन इसी वक्त विजयनगरम किंगडम ने डेक्कन को काफी हद तक अपने कंट्रोल में ले लिया था और गोवा को भी एनेक्स्ट कर लिया। लेकिन जल्दी ही बहामनी सल्तनत ने गोवा को कॉन्कर कर अपने हाथों में ले लिया। गोवा हमेशा से ही एक इम्पोर्टेंट पोर्ट था, जिसकी वजह से ये आइलैंड हमेशा ही बहामनी और विजयनगरम एम्पायर के बीच में टसल का कारण बना रहा। लगातार हो रहे इस टसल के बीच में बीजापुर के गवर्नर आदिल शाह ने बहामनी किंगडम को तोड़कर गोवा को अपने हाथ में ले लिया और 1492 में गोवा आदिल शाह के कब्जे में आ गया। लेकिन आदिल शाह की सल्तनत में जनता बिल्कुल भी खुश नहीं थी। कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि आदिल शाह के शासन में हिंदुओं पर उन दिनों बहुत अत्याचार होने लगे थे और इसी वजह से वहां के लोकल लोगों ने आदिल शाह को खत्म करने के लिए पुर्तगालियों की मदद ली और पुर्तगाली सेना ने आदिल शाह से युद्ध करके गोवा को उसके अत्याचारों से मुक्त किया था। आदिल शाह की सल्तनत एक दिन में खत्म नहीं हुई थी, बल्कि इसके पीछे गोवा के ही एक आदमी का हाथ था। गोवा में रहने वाले तिमैया और तिमोजा नाम के एक इंसान ने पुर्तगाली कॉन्करर अफोंसो डी अल्बुकर्की, जो कि एक पोर्चुगीज जनरल एंड पोर्चुगीज इंडिया का वाइसरॉय था, से दोस्ती कर ली। अफोंसो डी अल्बुकर्की 1509 से लेकर 1515 तक पोर्चुगीज इंडिया का वाइसरॉय था। तिमैया इसके साथ मिलकर यूसुफ आदिल शाह को गोवा से जड़ से उखाड़ फेंकने का प्लान बनाता है। हालांकि इनका ये प्लान पहली बार में सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बार अफोंसो डी अल्बुकर्की ने यूसुफ आदिल शाह को अपनी पूरी कोशिशों के साथ हरा दिया। लेकिन यहां गोवा की जनता को झटका तब लगा जब अफोंसो ने यूसुफ आदिल शाह को हराने के बाद भी गोवा से विदा नहीं ली और यहां रहकर गोवा में अपना शासन शुरू किया। तिमोजा को लगता था कि अफोंसो आदिल शाह को हराकर यहां अपना ट्रेड करेगा और गोवा के लोग अपनी जगह को अपने हिसाब से चलाएंगे, लेकिन अल्फोंसो ने गोवा पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और धीरे धीरे पोर्चुगल से कई लोग यहां आकर बसने लगे। अब गोवा पुर्तगालियों के इन्फ्लुएंस में आ गया, लेकिन आदिल शाह ने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा से 3 महीने बाद अल्फोंसो से गोवा को छीनने की कोशिश की। हालांकि इस बार भी वो सफल नहीं हो पाया और इसी साल उसकी मौत हो गई। आदिल शाह ने लंबे समय तक गोवा पर राज किया, लेकिन उसकी डेथ के बाद उसकी वाइफ भी इस सल्तनत को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई और 1510 में गोवा पोर्चुगीज के हाथों में चला गया।
वेस्टर्न यूरोपियंस के लिए एशिया के दरवाजे वास्को डे गामा ने खोले थे। इन्होंने एक नहीं बल्कि कई बार एशिया का दौरा किया और केप ऑफ गुड होप को एशिया पहुंचने के लिए सबसे आसान रास्ता बताया। वास्को डे गामा एक पोर्चुगीज नेविगेटर एंड एक्सप्लोरर थे जिसने एशिया में बाकी सभी देशों को छोड़ केवल भारत में ही अपने पांव जमाने के बारे में सोचा और भारत के साउथ में सेटल होने लगे। लेकिन कुछ समय बाद पोर्चुगीज को समझ आया कि साउथ की जगह वेस्ट में जाए तो गोवा जैसे आइलैंड भी है जहां से इन्हें ट्रेड करने में और भी आसानी होगी। और इसी के चलते अफोंसो डी अल्बुकर्की ने गोवा में यूसुफ आदिल शाह को हराकर वहां पहली बार 1510 में अपनी पोर्चुगीज सेटलमेंट को एस्टैब्लिश किया। हालांकि पोर्चुगीज के वहां सेटल होने से लोकल लोग खुश नहीं थे, लेकिन उनके पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था। पोर्चुगीज का गोवा को ही अपना सेटलमेंट बनाने के भी कई कारण थे। दरअसल पोर्चुगीज को एक स्ट्रॉन्ग नेवल बेस की तलाश थी जो उस समय गोवा के अलावा कहीं और नहीं हो सकता था। भारत के स्पाइसेस के कारण हमेशा से यूरोपियंस का भारत में ट्रेड को लेकर एक इंटरेस्ट बना रहता था। पोर्चुगीज ने जहां पर भी अपना सेटलमेंट बनाया वहां पर पॉलिटिकल कंट्रोल बनाए रखने के लिए रिलीजियस पॉलिसीज को यूज किया। भारत में भी पुर्तगालियों ने ऐसा ही किया। गोवा को अपने कंट्रोल में लेने के बाद पोर्चुगीज को क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देना था और इस काम के लिए उन्होंने गोवा में धड़ल्ले से लोगों के धर्म परिवर्तन करवाए और जिन्होंने ऐसा करने से मना किया उन्हें काफी बड़ी पनिशमेंट्स झेलनी पड़ी। इन सब के अलावा गोवा की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को देखते हुए पोर्चुगीज समझ गए थे कि यहां से वो अपने ट्रेड रूट को आसानी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इन सब के अलावा पोर्चुगीज का गोवा में इंटरेस्ट यहां की सेलिंग कंडीशंस और एक्सीलेंट हार्बर फैसिलिटीज को देखते हुए भी बिल्डअप हुआ था। गोवा पोर्चुगल का एशिया में फर्स्ट टेरिटोरियल पोजेशन था जिसे वो अपने हाथ से कभी भी किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे और इसी के कारण पोर्चुगीज ने न केवल गोवा के जरिए ट्रेड को बढ़ावा दिया बल्कि यहाँ क्रिश्चियनिटी को भी प्रमोट करना शुरू कर दिया। यही नहीं, अपनी कॉलोनी को दूसरे यूरोपियन ट्रेडर्स से प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग नेवल बेस बनाना शुरू कर दिया। फोर्टिफाइड फैक्ट्रीज बनने लगी और कुछ ही वक्त में इस जगह काफी सारे पोर्चुगीज एज ए फार्मर्स, रिटेल ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस के रूप में आकर सेटल होने लगे, जिनका काम यहाँ की औरतों से शादी करके यही सेटल्ड होने का था। यही सेटल्ड लोग और इनके डिसेंडेंट्स ने गोवा में एक प्रिविलेज कास्ट हासिल कर ली और देखते ही देखते गोवा में एक लार्ज यूरेशियन पॉपुलेशन रहने लगी। पोर्चुगीज ने गोवा पर अपना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल स्टैब्लिश करने के लिए यहाँ कई पॉलिसीज को लागू करना शुरू कर दिया, जैसे अब यहाँ पोर्चुगीज लैंग्वेज एंड कल्चर को गोवा के लोगों पर थोपा जाने लगा। इसके अलावा यहाँ पोर्चुगीज एजुकेशन, लैंग्वेज एंड कस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया गया। बाकी धर्म परिवर्तन तो पोर्चुगीज का मेन मोटिव था ही। पोर्चुगीज ने गोवा में धर्म परिवर्तन के साथ साथ अधिकतर मंदिरों को भी तोड़वा दिया। उनका मानना था कि गोवा केवल एक क्रिश्चियन स्टेट बनकर ही रहेगा। पोर्चुगीज ने यहाँ कई चर्चेस और कई और फेमस यूरोपियन स्टाइल बिल्डिंग्स भी बनवाई, जिनमें बसिलिका ऑफ बॉम जीसस, सी कैथेड्रल, चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, फोर्ट अगुआडा और फोंटेनहर्स स्ट्रक्चर शामिल है। शुरुआत में गोवा में सभी धर्मों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता था, लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ रिलीजियस इंटॉलरेंस बढ़ने लगा। हिंदूज के टेम्पल से लेकर मैरिजेस और क्रेमेशंस तक पर बैन लगा दिए गए थे। गोवा में अब इंडियन से ज्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस देखा जाने लगा, जिस कारण पोर्चुगीज कहने लगे कि अगर आपने गोवा को देखा है तो आपको लिस्बन देखने की कोई जरूरत नहीं। गोवा की सेनेट और म्यूनिसिपल चैम्बर का भी पोर्चुगल के किंग के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन रहता था। इवन 1563 में गोवा के गवर्नर ने इसे पोर्चुगल की एक ऑफिशियल पार्लियामेंट सीट के तौर पर फिक्स करने का प्रपोजल भी रखा था। वही इससे पहले 1542 में सेंट फ्रांसिस जेवियर ने गोवा के आर्किटेक्चरल की तारीफ करते हुए इस जगह को लिस्बन से कंपेयर किया था। गोवा में अब दुनिया की वो बड़ी और कीमती चीजें मौजूद थी जो पूरे भारत में देखने को नहीं मिलती थी। गोवा के बाजारों और सड़कों पर बहरीन के पर्ल्स एंड कोरल, चाइनीज पोर्सिलेन एंड सिल्क, पोर्चुगीज वेलवेट एंड फिनिश टेक्सटाइल्स और काफी असरदार मेडिसिन जैसी चीजें तक बेची जाती थी। 16th सेंचुरी आने तक पोर्चुगीज भारत में अपनी पावर के एपिक्स पर पहुंच गए थे, लेकिन डचेस और ब्रिटिशर्स के भारत में आने से लेकर इंडिपेंडेंस तक पोर्चुगीज की पूरे भारत से पकड़ कमजोर होने लगी थी। लेकिन ब्रिटिशर्स के 200 सालों तक भारत पर राज करने के बाद भी गोवा पूरी तरह से पोर्चुगीज के कंट्रोल में ही रहा। ब्रिटिशर्स के भारत छोड़ने और भारत की आजादी के साथ ही गोवा के लोगों को भी अब लगने लगा कि कई सौ सालों से चले आ रहे पोर्चुगीज राज से उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन असल में ऐसा हुआ नहीं, बल्कि पोर्चुगीज तो अब गोवा को अपनी टेरिटरी का एक अहम हिस्सा मानने लगे थे और उनके हिसाब से गोवा अब उनका था, ना कि भारत का।
हालांकि वो केवल पोर्चुगीज ही नहीं थे जिन्होंने भारत को छोड़कर न जाने का प्लान बनाया था, बल्कि पांडिचेरी में फ्रांस ने भी अपने पांव जमाए हुए थे। लेकिन कुछ ही समय बाद 1 नवंबर 1954 को फ्रांस ने भारत के आगे सरेंडर कर दिया और बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के वो भारत को छोड़कर चले गए। लेकिन पोर्चुगीज को भारत सरकार के कहने पर भी ये समझ नहीं आया कि गोवा उनका नहीं भारत का एक अहम हिस्सा है। इंडिपेंडेंस के बाद गोवा भारत के बाकी सभी स्टेट्स की तरह इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था और यहाँ भी भारत के कुछ अन्य स्टेट्स की तरह टेंशन्स बरकरार थी। जूनागढ़, हैदराबाद, पांडिचेरी, कश्मीर, गोवा जैसे कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां भारत लगातार अपना हक बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद पर पाकिस्तान की लगातार नजर बनी हुई थी। लेकिन यहां सोचने वाली बात यह है कि जब लक्षद्वीप जैसे बैरन आइलैंड तक को पाकिस्तान ने हथियाने की कोशिश की तो गोवा को क्यों नहीं। अब इस बात का साफ आंसर कल्चर डिफरेंस और पॉपुलेशन था, यानी पार्टीशन के बाद पहले ही रेडक्लिफ लाइन के थ्रू भारत और पाकिस्तान बढ़ चुका था। दोनों देशों को उनकी सीमाओं का अंदाजा था और इसके हिसाब से गोवा भारत का एक हिस्सा था। दूसरा, पाकिस्तान आजादी के बाद भारत के केवल उन हिस्सों पर दावा कर रहा था जो या तो खुद भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे या वहां की पॉपुलेशन मुस्लिम मेजॉरिटी थी। लेकिन गोवा में उस समय क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस ज्यादा था जिस कारण उनका गोवा पर फोकस कभी गया ही नहीं। गोवा को लेकर पाकिस्तान का दावा न करने का एक कारण ये भी था कि गोवा में भारत की आजादी के बाद भी पोर्चुगल्स का राज था और उस समय पाकिस्तान के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो भारत और पोर्चुगीज से एक साथ लड़ सके। भारत की आजादी के लिए पहली क्रांति की लड़ाई भले ही 1857 में लड़ी गई हो, लेकिन भारत के एक हिस्से में इससे पहले ही एक क्रांति हुई जो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बल्कि पुर्तगालियों के खिलाफ गोवा में 1555 में की गई थी। 1555 तक गोवा के लोग कैथोलिक प्रीस्ट के अत्याचार और एग्जॉर्बिटेंट लैंड रेवेन्यू से परेशान हो गए थे जिस कारण उन्होंने पोर्चुगीज के खिलाफ क्रांति शुरू कर दी। लेकिन पोर्चुगीज ने इस क्रांति को बुरी तरह से कुचल दिया जिसके बाद लंबे समय तक गोवा की जनता पोर्चुगीज के अत्याचारों तले ही दबी रही। इसके बाद मेजर क्रांति गोवा में 1787 में हुआ जिसे पिंटो रिवॉल्ट और पिंटो कॉन्स्पिरेसी के नाम से जाना जाता है। इस रिवॉल्ट का मुख्य कारण पुर्तगालियों द्वारा चर्च के ऊंचे पदों पर लोकल गोवन कैथोलिक प्रीस्ट के बजाय यूरोपियन क्लर्जी को इम्पोर्टेंट दिया जाना था जिसके कारण लोकल गोवन कैथोलिक पादरी ने पोर्चुगीज के खिलाफ विद्रोह कर दिया। हालांकि इस क्रांति को भी पोर्चुगीज ने दबा दिया और इस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व सभी लोगों को मौत की सजा दे दी गई। इस तरह के कई रिवॉल्ट्स छोटे लेवल पर होते रहे लेकिन राणे और सतारी वो लोग थे जिन्होंने गोवा में पोर्चुगीज की सत्ता को लगभग 150 सालों तक चुनौती दी। हालांकि इनके प्रति पोर्चुगीज हमेशा ही लीनियंट रहे लेकिन फिर भी इनके रिवॉल्ट्स हर बार दबा दिए गए। आखिरी बार इस परिवार के आदमी दादा राणे ने 1895 में अपने 900 साथियों के साथ पोर्चुगीज के खिलाफ गुरिल्ला वॉर शुरू किया था। हालांकि इस बार भी पोर्चुगीज ने बुरी तरह से इस रिवॉल्ट को खत्म कर दिया और दादा राणे और इनके साथियों को पैसिफिक ओशन में लोकेटेड एक आइलैंड पर डिपोर्ट कर दिया। इसके साथ ही गोवा में रिवॉल्ट्स का दौर लंबे समय तक सुस्त पड़ गया। 20th सेंचुरी आते आते भारत में फ्रीडम मूवमेंट काफी तेज हो गया था। वही पोर्चुगीज के अत्याचारों को लेकर गोवा में एक फ्रेंच एजुकेटेड गोवन इंजीनियर त्रिस्ताव दे ब्रेगांका कूना ने आवाज उठाई और 1928 में पोर्चुगीज के खिलाफ गोवा में गोवा कांग्रेस कमेटी को फॉर्म किया गया। इस कमेटी की जड़ें इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ी थी जो इनकी मदद करते थे। कमेटी बनाने के साथ ही गोवा में पोर्चुगीज के खिलाफ मास मूवमेंट्स होने लगे जिसके खिलाफ पोर्चुगीज ने कई अरेस्ट और पुलिस फायरिंग भी की जिसमें कई लोग घायल भी हुए। लेकिन ये मूवमेंट्स बंद नहीं हुए बल्कि कई मास डेमोन्स्ट्रेशन एंड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट और शुरू हो गए। अब गरम दल और नरम दल की तरह ठीक यहाँ भी एक तरफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे थे तो दूसरी ओर आजाद गोमंतक दल एंड द यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गोवंस ने पोर्चुगीज को गोवा से भगाने के लिए कई वायलेंट अटैक शुरू कर दिए। लेकिन पोर्चुगीज पर इन सब का भी कोई असर नहीं हुआ। सदियों से गोवा में हो रहे पोर्चुगीज अत्याचार से यहाँ की पब्लिक परेशान हो उठी थी। दिन प्रतिदिन गोवा में पुर्तगालियों का अत्याचार बढ़ रहा था लेकिन गोवा को छोड़कर भारत के ज्यादातर भागों में ब्रिटिश का राज होने के कारण महात्मा गांधी से लेकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के बड़े नेता सबके सब ब्रिटिशर्स को देश से भगाने में लगे थे। इसीलिए किसी का ज्यादा ध्यान गोवा की तरफ नहीं जा रहा था। हालांकि वल्लभ भाई पटेल से लेकर महात्मा गांधी तक सभी भारत में पूर्ण स्वराज की मांग तो कर रहे थे लेकिन इसमें गोवा का हिस्सा नहीं था। लेकिन 1946 एक ऐसा साल बना जब गोवा के भाग्य ने करवट ली
और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा में भी अपना एजिटेशन शुरू किया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पहले से लोग पोर्चुगीज के खिलाफ नहीं थे, बल्कि डॉक्टर लोहिया ने जैसे ही गोवा लिबरेशन बैटल में अपना हाथ आगे बढ़ाया, वैसे ही गोवा के सारे यूथ उनके साथ फ्रीडम के लिए मैदान में उतर पड़े। अंग्रेजों की भारत में कमजोर होती साख को देखकर गोवा के लोगों के दिल में भी आजादी की आस लग गई थी। इसी दौरान नेशनल कांग्रेस गोवा की स्थापना भी हुई थी, जिसकी मेन पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ही थी। लेकिन इस एजिटेशन में गोवा को कुछ खास सफलता नहीं मिली। लंबे समय तक चले इस संघर्ष में गोवा के अनेक देशभक्तों ने मुस्कुराते हुए स्वतंत्रता के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। कई लोगों को जेल में डाल दिया गया तो कई लोगों को पोर्चुगल, एंगोला, एनकेबो वर्डे जैसी जगहों पर एक्साइल पर भेज दिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सहित कई नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। पुर्तगालियों के इस तरह के व्यवहार के बाद लोगों ने डर कर एजिटेशन बंद कर दिया और इसके साथ ही 1947 आते आते यहां बिल्कुल शांति छा गई। इसके बाद 1947 में भारत आजाद हो गया और कुछ साल बाद फ्रांसीसी भी पौंडीचेरी छोड़कर चले गए, लेकिन गोवा को आजादी नहीं मिली। पोर्चुगीज का कहना था कि गोवा भारत का हिस्सा है ही नहीं। जो देश खुद हिंदू और मुस्लिम डोमिनियन के हिसाब से बांटा गया है, उसमें गोवा जैसे क्रिश्चियन पॉपुलेशन वाले स्टेट कैसे हो सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने गोवा के लोकल लोगों को भड़काने के लिए कई सारे स्पीचेस भी दिए, कम्युनिकेशंस कैंपेन चलाए, जिसमें एक सिनेमा तक बनवाया गया था और लोगों को कन्विंस करने की कोशिश भी की गई थी कि पुर्तगालियों के अंडर रहना ही गोवा के लोगों के लिए अच्छा है। एक हिंदू देश भारत में उन्हें कोई अधिकार और सम्मान नहीं मिलेगा। भले ही गोवा में पोर्चुगीज अपनी चाल चल रहे थे, लेकिन भारत में गोवा को मिलाने के लिए कई कोशिशें की जा रही थी। कई बार गोवा को भारत में मिलाने की कोशिश फेल होने के बाद 27 फरवरी 1950 में भारत सरकार ने बिना किसी अग्रेसिव मूव के शांति से एक टेबल टॉक करने का प्रपोजल पोर्चुगीज को दिया, लेकिन पोर्चुगीज ने पंडित नेहरू के साथ किसी भी तरह के नेगोशिएशंस करने से साफ इनकार कर दिया और पोर्चुगीज प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो डी ओलिवेरा सलाजर ने भारत को साफ शब्दों में कहा कि गोवा पोर्चुगल की बाकी कॉलोनीज की तरह नहीं है, बल्कि ये पोर्चुगल का एक अहम हिस्सा है। सलाजर के इस स्टेटमेंट के बाद भारत ने जून 11, 1953 को लिस्बन से अपना डिप्लोमेटिक मिशन विड्रॉ कर लिया और इसी मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच बात बिगड़ती चली गई। हर बार पोर्चुगीज एक ही जवाब दिया करते थे कि जब गोवा को पुर्तगालियों ने बसाया था तब रिपब्लिक ऑफ इंडिया नाम का कोई देश था ही नहीं, तो ऐसे में गोवा भारत का हिस्सा नहीं है। पोर्चुगीज के इस तरह के बिहेवियर के कारण अब भारत सरकार को कुछ सख्त कदम उठाने की जरूरत थी और इसीलिए 1954 में भारत सरकार ने गोवा से भारत के अन्य राज्यों के बीच ट्रैवल करने के लिए वीजा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया। इससे पोर्चुगीज को बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि अब वो गोवा से भारत के दूसरे स्टेट्स के बीच ट्रैवल नहीं कर सकते थे। इसके बाद अपना अगला कदम उठाते हुए भारत ने गोवा पर कई सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए, जिसके कारण पोर्चुगीज भारत के दूसरे हिस्से से सामान मंगवाने और बेचने का हक खो बैठे। गवर्नमेंट के एक्शन से गोवा के फ्रीडम फाइटर को काफी प्रोत्साहन मिला और गोवा के अंदर उन्होंने क्रांति शुरू कर दी। इसके कुछ समय बाद कुछ हथियारबंद क्रांतिकारियों ने मिलकर 1954 में दादरा और नगर हवेली से पोर्चुगीज पुलिस को मार भगाया और इन जगहों को स्वतंत्र कर लिया। ये इंसिडेंट भारत के लिए एक बड़ी जीत और पुर्तगालियों के मुंह पर हार का एक जोरदार तमाचा था। इस जीत से इंस्पायर होकर 1955 में हजारों निहत्ते लोगों की भीड़ ने गोवा में एंटर करने की कोशिश की, जिसे देखकर पुर्तगाली पुलिस ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। ये लोग ज्यादातर विमोचन सहायक समिति और इंडियन कांग्रेस गोवा से थे, लेकिन इनके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया गया और गोवा लिबरेशन के इस अटेम्प्ट को ब्रुटैलिटी के साथ खत्म कर दिया गया। इस हत्याकांड से आहत होकर भारत सरकार ने 1955 में गोवा से अपना कौंसल ऑफिस भी बंद कर दिया। अब तक पंडित नेहरू शांति से गोवा को भारत में मिलाने की कोशिश कर रहे थे। उनका मानना था कि सत्याग्रह से भारत आजाद हुआ है तो गोवा भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में सवाल उठता है कि प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने आर्मी को भेजकर हैदराबाद की तरह गोवा का एनेक्सेशन क्यों नहीं करवा लिया। तो इसका एक कारण था अमेरिका एंड नेटो। दरअसल पोर्चुगल नेटो का मेंबर था। ऐसे में अगर भारत पोर्चुगीज के खिलाफ युद्ध करता तो बहुत हद तक ये संभावना थी कि नेटो एंड अमेरिका इस युद्ध में पोर्चुगीज की तरफ से लड़ने आते, इसलिए भारत अब तक चुप था। लेकिन 1955 के मैसेकर ने भारत को एक बहुत ही स्ट्रांग होल्ड दे दिया था।
इस एक इंसिडेंट ने भारत के लोगों के बीच पोर्चुगीज के लिए काफी गुस्सा पैदा कर दिया था। अब पंडित नेहरू को गोवा की फ्रीडम के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत आन पड़ी थी। अब इस मामले ने इंटरनेशनल लेवल पर तूल पकड़ ली थी। पुर्तगाल की लाख कोशिशों के बावजूद विश्व के बड़े बड़े देश भारत के साथ आ खड़े हुए। USSR भी इन देशों में से एक था। अमेरिका ने भारत से इस मामले को बिना किसी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के पीसफुली रिजॉल्व करने की सलाह दी थी। हालांकि साबरमती नाम की एक पैसेंजर बोट पर बिना किसी बात के जब पोर्चुगीज ने फायरिंग कर कई भारतीय लोगों को मौत के घाट उतार दिया, तो जवाहरलाल नेहरू ने ये डिसाइड कर लिया कि अब टेबल टॉक का टाइम निकल गया और पोर्चुगीज को उन्हीं की भाषा में समझाना जरूरी है। और इसी के साथ शुरू होता है भारत का ऑपरेशन विजय। सबसे पहले अगस्त 1961 में भारत सरकार ने दादरा एंड नागर हवेली को भारत में शामिल कर लिया, पर इसके बाद भी पोर्चुगीज गोवा को ना छोड़कर जाने के अपने डिसीजन को लेकर अटल रहे। हालांकि इस वक्त तक उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि भारत अब गोवा को कभी भी उनसे छीन सकता है, जिस कारण पोर्चुगीज ने अपने बच्चों और सभी महिलाओं को पोर्चुगल वापस भेज दिया और खुद गोवा की देखरेख करने के लिए गोवा में बने रहे। ऑपरेशन विजय को शुरू करने से पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मीडिया में कंफर्म कर दिया था कि अब वो हर हाल में गोवा को भारत में शामिल करके ही दम लेंगे। बस फिर क्या था, 17th दिसंबर 1961 के अर्ली आवर्स में इंडियन आर्मी ऑपरेशन विजय को लॉन्च करता है और आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स गोवा को चारों ओर से घेर लेती है। पोर्चुगीज के पास इतना दम नहीं था कि वो भारत को हरा सके, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 18th दिसंबर की इवनिंग तक इंडियन सोल्जर्स ने मोस्ट ऑफ द गोवा को पोर्चुगीज फोर्सेस से मुक्त करवा लिया था और केवल 36 घंटों में गोवा को भारत में शामिल कर लिया। पोर्चुगल से गोवा में इंडियन फोर्सेस का सामना कर रहे पोर्चुगीज आर्मी को साफ निर्देश दिए गए थे कि गोवा को जीतने के लिए उन्हें अपनी जी जान लगा देनी है, और अगर अब भी वो गोवा को हासिल करने में कामयाब न हो पाए तो स्कॉच अर्थ पॉलिसी को लागू करते हुए उन्हें पूरे गोवा को बर्बाद करके ही बाहर निकलना है। स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी के थ्रू हर उस मुमकिन चीज को तहस नहस कर दिया जाता है जो एनिमी के लिए यूजफुल हो। हालांकि इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ और पावर को देखते हुए पोर्चुगीज प्राइम मिनिस्टर एंड डिक्टेटर सालाजार के आदेश के बावजूद गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा ने अपने साथियों की जान के मायने समझते हुए भारतीय सोल्जर्स के आगे सरेंडर करने का डिसीजन ले लिया। मैनुअल एंटोनियो इस बात को अच्छे से जानते थे कि पोर्चुगल से उनकी मदद के लिए कोई रीइंफोर्समेंट नहीं आने वाला है, क्योंकि उन दिनों स्वेज कैनाल क्राइसिस चल रहा था और इजिप्ट ने ये कैनाल लगभग सभी वेस्टर्न कंट्रीज के लिए बंद कर रखी थी, इसलिए पोर्चुगीज रीइंफोर्समेंट आने की संभावना भी नहीं थी। फाइनली 30,000 स्ट्रॉन्ग इंडियन ट्रूप्स के सामने मैनुअल एंटोनियो ने अपने सभी पोर्चुगीज आर्म्ड पर्सनल के साथ इंडियन आर्मी के आगे सरेंडर कर दिया, जिसके बाद 19 दिसंबर को एक सेरेमनी के तहत दोनों देशों के बीच इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया गया। इस सिग्नेचर के साथ ही पोर्चुगीज का गोवा से 451 सालों का रूल खत्म हो गया। गोवा के भारत में एनेक्स्ट होने के बाद एक तरफ जहां गोवा के लोगों के बीच मिले जुले रिएक्शंस थे, तो वहीं पोर्चुगल भारत से बुरी तरह से चिढ़ गया था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि पोर्चुगीज गवर्नमेंट ने फॉर्मली भारत के साथ सभी डिप्लोमेटिक टाइज को खत्म कर दिया। साथ ही उन्होंने गोवा को भारत का हिस्सा मानने से भी इनकार कर दिया। गोवा को खोने का पोर्चुगल पर इतना गहरा असर पड़ा कि उस साल लिस्बन में क्रिसमस के सेलिब्रेशंस की जगह मातम छाया रहा। वहां कोई भी क्रिसमस की चमक धमक नहीं देखी गई। गोवा के भारत में मिलने के बाद कुछ टाइम तक यहां मिलिट्री रूल रहा, और इसके बाद 1962 में यहां इलेक्शंस हुए और दयानंद बालकृष्ण बंडोडकर गोवा के पहले चीफ मिनिस्टर बने। भारत का गोवा जीतने का डिसीजन दुनिया ने अपने हिसाब से जज किया। किसी को ये सही लगा तो किसी को गलत। किसी ने इसे भारत की हिपोक्रेसी बताया तो किसी ने इसे भारत का हक। सोवियत यूनियन के साथ साथ यूगोस्लाविया, अरब स्टेट्स, घाना, इंडोनेशिया और सिलोन, जो आज का श्रीलंका है, ने भारत को गोवा के एनेक्सेशन को सपोर्ट किया। सोवियत प्रेसिडेंट लियोनिड ब्रेजनेव उस समय भारत दौरे पर बॉम्बे में थे। तब उन्होंने कहा था कि USSR पूरी तरह से भारत के साथ सिंपैथी रखता है और पोर्चुगीज कॉलोनियलिज्म के खिलाफ भारत के गोवा के लिबरेशन को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। सोवियत प्रीमियर निकिता क्रुशेव ने लेटर लिखकर प्रधानमंत्री नेहरू से कहा था कि भारत से पोर्चुगीज कॉलोनियलिज्म को खत्म करने के लिए भारत ने जो भी कदम उठाए हैं वो बिल्कुल लॉफुल एंड जस्टिफाइड है। वही अमेरिका, यूनाइटेड नेशन, नेटो, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, नीदरलैंड्स, स्पेन, वेस्ट जर्मनी एंड पाकिस्तान ने भारत के स्टेप को क्रिटिसाइज करते हुए नेगेटिव और गलत का करार दिया।
इसी के साथ गोवा आज न केवल 15 अगस्त को आजादी का महोत्सव मनाता है बल्कि 19 दिसंबर को भी गोवा अपने लिबरेशन डे के तौर पर मनाता है।